बेटी जा यू गोला गुंडो जोमा अखरोट के पेड़ के पत्ते से काफी अच्छी खुशबू आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र रावत और आप देख रहे हैं सुपर वीरू ब्लॉग। दोस्तों ये हमारा भांजे सूरज। सूरज हेलो करो। हाय, बहुत टाइम के बाद आया हुआ है, लेकिन मैंने कहा इसको भी गढ़वाल की चीजें दिखा देते हैं। दोस्तों ये रुपाई का खेत है और अभी बीज वगैरह जो दिख रहे हैं इसके बाद इनको निकालेंगे, फिर इसके बाद रुपाई वगैरह का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। थुल परिबे कनु ककन फूला हत कि धगुल परिबे मंगो कसिस्तु रुआ धुआ से फले गयो तुम्हारी माया मारू आ धुआ खेल की सयानू वे तू ग्वाया लगनी जे डांडियाली जे चौक जो बाटो आणु जानू रे जो बाटों आणु जानो रे तू तखन देखण लठ्याला त्वेन जलम भूमि या फिर तो दोस्तों इस सीजन में नाशपाती तैयार हो गई है और ये हमारे नाशपाती का पेड़ है और काफी नाशपाती इसमें देखने को मिल रही है, लेकिन अभी छोटे छोटे हैं क्योंकि अभी बड़े नहीं हुए। जैसे ही बड़े होंगे फिर ये तो हम खाएंगे पहले इनको या बंदर खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बंदर बहुत सारे हैं और फल फ्रूट को पकने से पहले ही वो ख़त्म कर देते हैं। तो ये नाशपाती का पेड़ है और दोस्तों ये है अखरोट का पेड़। अब हम अपने अखरोट के पेड़ के पास हैं और अभी अंकुरोट पके नहीं है क्योंकि अंकुरोट पकने का सीजन अभी चल रहा है, अभी छोटे छोटे कच्चे बिल्कुल हरे हैं और जब पक जाएंगे तब हम इन अंकुरोट पकाएंगे। और
अखरोट के पेड़ के पत्तों से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। पहले बचपन में क्या करते थे, जैसे हम लोग अखरोट के पेड़ के पास आते थे और अखरोट की जो पत्तियाँ होती है ये वाली, इन पत्तियों से हम लोग दांत पर रगड़ते थे और दांत साफ करते थे। लेकिन आज के टाइम पे तो ऐसा नहीं है। खैर बचपन में तो बहुत शरारतें कर रखी है, अखरोट के पेड़ से दांत साफ करना, फिर उसके बाद उसको फिर पूरे और सही पूरे लाल हो जाते थे उस टाइम पे हमारे, तो ऐसी शरारतें हम करते रहते थे। और आज के टाइम पे शरारत करके छोटा छोटा अखरोट आपको दिख रहा है ये, और काफ़ी टाइम से हमने यहाँ पे अखरोट भी नहीं खाए यार, बंदर खा देते हैं हर बार। दोस्तों जो यहाँ पे है हमारे गांव में, ये हमारे यहाँ के पंचायत घर है, यानी कि यहाँ पे जो भी चीज़ें होती है, चेयर वगैरह मिलते हैं और राशन पानी के जो भी बर्तन होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलता है। और हर महीने जैसे किसी की शादी हो रही है तो उसके लिए बर्तन वगैरह चाहिए होते हैं, तो पंचायत के तौर पे यहाँ पे सिलंगी में पंचायत घर है और यहाँ पे बर्तन को सुरक्षित तरीके से रखा जाता है। और काफ़ी अच्छा काम है क्योंकि हर प्रोग्राम में काम आते हैं चीज़ें, और ऐसा होना चाहिए गाँव में। ये मुझे ये पुदीना है और यहाँ पे चटनी बनाने के लिए बहुत अच्छे साधन है। गढ़वाल में पुदीने की चटनी बहुत मस्त तरीके से बनाई जाती है। और ये अभी यहाँ पे पुदीना हो रखा है, ये गन्ने का पेड़ है यहाँ पे अभी हो रहा है। और यहाँ पे छोटे छोटे बीन्स वगैरह हो रखे हैं, बीन्स हैं अभी तो कुछ कुछ हो रखे हैं। देखो बीन्स वगैरह पहाड़ में किस तरीके से उगे हुए हैं। और घर घर में यही है, घर गांव में थोड़ी सब्जी वगैरह बन जाती है, अगर अच्छे से लगाओ तो थोड़ा खाने लायक सब्जियां हो जाती हैं, जैसे बीन्स हो गई है। और यहाँ पे चौक है हमारे यहाँ पे पुराने मकान के यहाँ पे, और बचपन में हमारे जो साथ के दोस्त वगैरह थे हम लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, यानी कि पूरी क्रिकेट टीम हमारे यहाँ पे बनी रहती थी, हमें दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बहुत सारा खेला, बाउंड्री से बाहर अगर हम कोई शॉट मारता तो आउट, और पूरे 22 गज का उस कोने से इस कोने तक यहाँ से बॉलिंग करते थे और बड़े मस्त तरीके से क्रिकेट खेलते थे। यानी कि शाम के टाइम पे जब मम्मी खेत वगैरह में चले जाते थे, हम दोस्तों को बुला लेते थे कि आ जाओ भाई क्रिकेट खेलते हैं, और हमने हमें बहुत क्रिकेट खेला। तो बचपन की यादें आ रही हैं क्योंकि पुराने मकान में हमारे बचपन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे जब भी आता हूँ मैं कुछ ना कुछ मुझे याद आता रहता है। और ये हमारे यहाँ पे गौशाला है, यहाँ पे गौशाला था, और आज के टाइम पे तो खैर ख़राब हो गया, टूट गया है, और अब क्या करें। तो दोस्तों देख रहे हो आप पहाड़ों की खेती में किस तरीके से हरियाली छाई हुई है, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बारिश के बाद पहाड़ का मौसम इतना अच्छा दिख रहा है, काफ़ी अच्छा मौसम नज़ारा पहाड़ के खेतों का, क्योंकि कल तक तो मौसम अचानक ख़राब हो गया था और आज जो मौसम बना हुआ है बहुत अच्छा बना हुआ है। और अभी मैं खेत की तरफ को ही जा रहा हूँ, और यहाँ पे सामने सामने सुबह का टाइम है, और सुबह के टाइम पे जो मौसम दिख रहा है बहुत प्यारा से लग रहा है, हरियाली पहाड़ों में छाई हुई है, हरे भरे पहाड़ आप देख सकते हो यहाँ पे। दोस्तों मैं अभी यहाँ पे खेत में आया हूँ और यहाँ पे गुड़ाई वगैरह का काम चल रहा है, और एक बार गुड़ाई पहले हो चुकी है, अब दूसरी बार गुड़ाई कर रहे हैं। ये हमारे खेत है और यहाँ पे हमारी माता जी गुड़ाई में लगे हुए हैं। झाड़ कटी हुई माँ मस्त झाड़ हुए हैं। अच्छा तो झाड़ सब निकाल पड़े नहीं निकाल पड़ी अच्छा तो अभी मसत रहे नहीं कोड़ाने जी एथु ये पल तर वो भी रहे होते जी अमनिता आनी हो एथु दी तीन दिन हो रही ये गुड़ाई के बाद कन की वे बाद आज आगे नहीं करनी ना ना अब ये जब कथा गोड़े ल नो ये अब पहले गोड़े ल नहीं और अब दूसरी बार करने गुड़ाई दूसरी बार तो वे बात तो अब क्यों गोनो दी बात कौन तो ये बार गोड़ी तो ये अब कौन अच्छा तो बात अब वे बात हर दिन तब सीधे कटाई झाड़ होल तो निवार निवार करने तब वे बात छह दिन लोन अच्छा काटन तो धान
पर खेतों पे गुड़ाई हो चुकी है। जिस एरिया में गुड़ाई हो चुकी है वो ये है, और गुड़ाई करके देख लो किस तरीके से गुड़ाई कर रखी है। ये खेत है जिनमें गुड़ाई हो गई है। एक एक पौधे को संभाल के उसकी गुड़ाई की जा रही है, क्योंकि धान की खेती है और इसमें जो घास वगैरह बीच बीच में जम रही है इसको निकाला जा रहा है। तो दोस्तों बारिश हो रही है और सुबह इतना अच्छा मौसम था, सुबह इतनी अच्छी धूप लगी हुई थी और इस टाइम पे देखो तो बारिश, और पहाड़ का मौसम यही है। चलो इस बार तो गर्मी का उतना एहसास नहीं हुआ हमें, क्योंकि तो गर्मी नाम मात्र है इस बार, और बरसात भी धीरे धीरे शुरू हो गई है। सुबह से गर्मी और शाम के टाइम पे बारिश। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंतज़ार कीजिएगा मेरे अगली वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।